हेलो फ्रेंड, हम बताएंगे सैमसंग की एमएमसी को और सीपीयू को कैसे रिवॉल्व करते हैं। तो आज हमने सीपीयू को यूनिवर्सल से रिवॉल्व किया है। तो हमने हमारे पास एक स्टेंसिल होनी ज़रूरी है जो यूनिवर्सल है, ये वाली। और हम एक टिश्यू पेपर और पीपीडी की मदद से, और हमने जो ट्रिक आजमाया वो सबसे अलग ट्रिक है, जो कि आप देखोगे हमारे वीडियो में तो आपको पता चल ही जाएगा। हम आपको बताएंगे कि हमने सबसे पहले टिश्यू पेपर पे हमारी सीपीयू को रखा है, फिर यूनिवर्सल से हमको हमने यहाँ पे फिक्स किया, वो भी एक सिल्वर टेप के थ्रू। जो हमारी सिल्वर टेप आती है उसे हम लगा के नीचे उसके ऊपर सीपीयू को रखेंगे, ताकि हमारी सीपीयू इधर उधर ना हिले। और फिर हम इसके बॉल को फिक्स करके ट्वीज़र की सहायता से उसको रिवॉल्व करेंगे, वो भी एकदम क्लीन होगा और उसमें कोई भी इश्यू नहीं आएगा। और हम यूनिवर्सल से करीबन सेट की सीपीयू रिवॉल्व हो जाती है। तो थोड़ा मेहनत होता है लेकिन हो जाता है। हमारे चैनल पर आप न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि और भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। आप देखोगे अभी ये सीपीयू किस तरह रिवॉल्व है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सीपीयू प्रॉपर रिवॉल्व है। और जो हमने ये रिवॉल्व किया है यूनिवर्सल से ही किया है, तो आप भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके पास सबसे अच्छी वाली पीपीडी होनी चाहिए, और जो ट्वीज़र होगी वो बैंड वाली।